कुछ तो मोबाइल बताओ ना आपके बारे में, क्या किया क्या नहीं किया आपने, तो बताओ क्या क्या किया इसमें। बढ़िया है, टायर पे नहीं आई चोट, होना टायर भी कट जाता, नुकसान तो वैसे बहुत हो गए भाई। सोचो कितनी तेज लगी होगी इसके ऊपर, पूरा कट गया यहाँ से, यहाँ तक अंदर लोहे का है, ऊपर फाइबर है। तो भी सर रात दिल्ली यहाँ से बहुत दुखता रहा, ये कैसे हुआ आगे बताऊंगा मैं। अभी इसको मैकेनिक के पास लेके चलते हैं, वो बताते हैं इसमें क्या खर्चा आएगा, कैसे सही होएगा, कितने दिन के लिए गाड़ी डालनी पड़ेगी मेरे को। ठीक है, गलती किसकी जाती इसमें? अपनी गलती थी उसे। कौन आ रहा है? चलो आगे बताता हूँ मैं क्या हुआ इसमें, चलो चलते हैं अभी। ये क्या हो गया भाई, साइकिल का चालान काट दिया गया इन्होंने। हाँ, क्या कर रहे हैं इनके साथ है? तो भाई मैं आ गया हूँ शॉप पर। हाँ भैया, क्या रहेगा? बस यही कराना, यही कराना। अरे रात को अड़ गई किसी चीज़ की यार, कट गया मतलब पूरा लोहे से अड़ी। जैसे कितना टाइम लग जाएगा और क्या पेमेंट रहेगा इसका? आज शाम तक हो जाएगी, बिल्कुल प्लेन हो जाएगा, पता नहीं लगेगा ना बिल्कुल भी। लगे ही नहीं आपको गाड़ी। अच्छा अच्छा ठीक है चलो। तो भाई मैंने यहाँ पर एक शॉप पर बताई गाड़ी, 80 फीट रोड पर बोरखेड़ा। तो उन्होंने बोला आज गाड़ी को छोड़ना पड़ेगा शाम तक, बाकी पूरा कवर हो जाएगा, बिल्कुल भी दिखेगा नहीं आपको ये। तो एक दो शॉप और है मिलने वालों की, उनसे बात करते हैं, तो जो सही रेट लगाएगा उसके करेंगे सही। ऐसा काम करना, दिखना नहीं चाहिए मतलब मेरे को ना, बिल्कुल पूरा कट गया भाई। लोहे का भी क्या? लोहा एंड फाइबर दोनों है। बताओ क्या रहेगा इसका हिसाब किताब? नहीं गेट नहीं होगा भैया, यही नहीं नहीं वो तो कोई इशू नहीं उसका, तो मेन तो यही है। ये नहीं करना क्या? वो भी कर देना यार, तुम्हारे हाथ लग जाए तो। मेन तो ये, हाँ ये पूरा ही है ना। देखो भाई ये बताओ, इसको करोगे पेंट पूरी, इसको करोगे या इसको पेंट करोगे? ये तो पूरा ही होगा, साल आ गया ना पढ़ाई। अच्छा ये तो पूरा ही होगा, पूरा पेंट होगा ऊपर से नीचे तक। हाँ तो करो, बताओ मेरे को क्या रेट है। सो फाइनली गाड़ी छोड़नी पड़ेगी आज, तो पैसे वैसे निकाल लेते हैं कि पैसे रखे रहते हैं अपनी गाड़ी में हमेशा। इधर भी हमेशा, इधर भी पर्स रखा है आरू किट्टू का, और तो कुछ सामान नहीं है इसमें। पास में इधर इसमें बिल्कुल चेंज नहीं दिखना चाहिए मेरे को, ठीक है? बिल्कुल एक नंबर है ना, आपको चिंता है बेशक है ना बिल्कुल। हाँ क्योंकि मैं दूसरी बार आया हूँ यहाँ पे, सर्विस यहीं करवाई थी मैंने, हार्ड होती ब्रूटो सर्विस सेंटर पे, तो गाड़ी छोड़ के जानी पड़ेगी आज शाम को 6 बजे तक आ जाऊँ मैं, है ना? खतरनाक कटी, कौन सा लोहा साला है, गाड़ी फट लोहे से काट दिया उसने। चलो ठीक है मेरी जान, शाम को मिलते हैं अपन, जब तक कंप्लीट हो जाएगी तो ठीक है। रोना मत मेरे से, दूर रह के थोड़ी देर। शाम को 5 बज रहे हैं और कोटा में लगातार 2 दिन से अच्छी बारिश हो रही है शाम को, मतलब वाओ। अब कार लेने कैसे जाऊंगा मैं? हमारा अमरुद कितना मस्त लग रहा है ना। तो ज्योति बारिश तो बंद ही नहीं हो रही है, कार लेने कैसे जाऊंगा मैं? आज सैटरडे और सुबह 5 बजे आज लानी पड़ेगी, आज लानी पड़ेगी, कल तो संडे, कल तो ऑफ रहेगा। हाँ। कार बिना काम नहीं चलेगा, कार बिना ये जगह कितनी सुनी लग रही है ना। तो भाई रात को क्या हुआ था, मतलब इसके पहले वाले ब्लॉग में देखा हुआ आपने, कैसे हम मार्केट से आ रहे थे, तो जैसे बोरखेड़ा से केले ले रहे थे हम, तो गाड़ी साइड में खड़ी करी थी मैंने, वो मेरे आगे किसी और की गाड़ी खड़ी होगी थी मतलब, तो जैसे मैंने निकाली गाड़ी साइड में, ओके तो आगे से निकल गई वो, अब क्या जिप्सी वगैरह थी मतलब, तो उसमें लोहे के किले वाले लगा रहे थे ना मेजर में, वैसे किले लग रहे होंगे यार पता नहीं चला मेरे को, और मेन रोड से भी गाड़ी आ रही थी तो आगे से निकल गई थी, अंधेरे में दिखा नहीं मेरे को, रात को 8 बज रहे थे, पता नहीं पीछे एकदम अड़ने की आवाज़ आई मेरे को, मेरे को लगा टायर या रिंग वगैरह अड़ी है, तो मुझे नहीं लगा इतना बड़ा डैमेज हो जाएगा। तो हम आगे धीरे धीरे, कोई बात नहीं, मन की यार हमने निकाली तो क्या करें, किससे बोल भी नहीं सकते।
तो जब घर पे आके देखा ना हमने, तो भाई मेरे को चक्कर आ गए, इतना बड़ा कट लग गया मेरी गाड़ी में, देखा जैसा आपने अभी। तो उसके बाद डाल के आया हूँ मैं, तो 5:30-6 बजे नाम लिया भैया ने, तो पानी आ रहा है अभी, तो अब देखते हैं पानी बंद हो जाएगा चलेंगे, तो पानी बंद नहीं होगा तब भी चलना पड़ेगा, ठीक है ना, कि कल संडे है, कल ऑफ रहेगा मार्केट, तो गाड़ी का आज लेके आना बहुत जरूरी है, क्या ज्योति? बहुत ज़्यादा जरूरी है। हवा ठीक है गाड़ी में? तो चलो ठीक है भैया का फ़ोन आ गया अभी, 7:45 बज रहे हैं, तो अपने ट्रैक्टर को लेके आते हैं, बाइक लेके, ठीक है। आप सोच रहे हो बाइक लेके जा रहा है तो कार कैसे लेके आएगा, तो कोई दोस्त है मेरा उसको लेके जाऊँगा, ताकि वो बाइक लेके आ जाएगा, मैं कार लेके जाऊँगा, ठीक है ज्योति? ठीक है, ओके चलता हूँ मैं, बाय बाय। आओ कब की कर दिया तो हाँ चले हाँ चलते ना, कब चले? ठीक ठीक है, पर नाथ तो यही है, हाँ रामेश्वरम है वहाँ। लग नहीं ना पेंट सूट नहीं गया क्या यार? ऊपर से कैसे बनाया नहीं, ये जैसे हो जाएगा, हो जाएगा, अब इसमें कल क्या करना है आपको? कल क्या करना है भैया? बोल रहे थे बाद में आएंगे वेडिंग के लिए, परसों नहीं, क्या करना है इसमें? यहाँ से कटा था, बाकी बिल्कुल पता नहीं लग रहा है, यहाँ से डैमेज हुई थी गाड़ी, बिल्कुल शानदार काम किया भाई ने यार। हाँ ये वाला सीन होता है ऐसा, ये बाकी अब ऐसी हो गई, हाथ नहीं लगाए। तो ये कहाँ तक पेंट किया, पूरी को पेंट किया कि आधा आधा किया? शर्म आ रही बताने में बताने में शर्म आ रही क्या भाई को? बताने में शर्म आ रही भाई, भाई अच्छा काम किया, ठीक है, काम शानदार किया यार। बाकी पेंट तो वो शाइन मार रहा है, बाकी मंडे को लेके आऊँगा मैं ऑफिस, तो इसमें रबिंग होगी एक बार, है ना? हाँ रबिंग हो जाएगी, तो सूख जाएगा पेंट गीला हल्का हल्का भी, ये कल संडे तो कल हाँ कल छुट्टी रहेगी, इसलिए आज लेके जा रहा हूँ मैं इसको। ओके भैया ठीक है, धन्यवाद, ओके 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 भैया। तो भाई शाम को 7 बज रहे हैं और अपनी रेस्टोरेंट अपन को मिल गई। तुम्हें पता है इस गाड़ी में इतनी जान क्यों है मेरी, इसको मेरी जान क्यों बोलता हूँ मैं, क्योंकि इसमें मेरी किट्टू का जन्म हुआ था भाई, इसलिए मेरे को ये जान से भी प्यारी है। तो इसके कुछ भी होता है ना तो सीधी चोट यहाँ पर लगती है, दिल यहाँ से दुखता है बहुत ज़्यादा वाला। तो अभी चलते हैं घर पर, क्या तेरे को पता लग रहा है कुछ गाड़ी में? हाँ कोई बोल नहीं सकता ना कि यहाँ पे डैमेज हुई थी गाड़ी, है ना? लाइट जला दे मेरे को 1 मिनट। अब बता लग रहा है कुछ, है ना? बिल्कुल प्लेन होगी, अभी इसकी रबिंग होगी वापस, तो गाड़ी वहाँ जाएगी वापस से मंडे को। हाँ नहीं बारिश का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा इस पर, बाकी मंडे को वापस लेके चलेंगे तो रबिंग हो जाएगी, तो हल्के हल्के दाने हैं ना ये पूरे कम हो जाएंगे। ज्योति ये गाड़ी मेरी जान कैसे है बता, इसमें क्या हुआ था ऐसा? इसमें किट्टू का बर्थ, इसमें किट्टू का बर्थ,
तो भाई फाइनली हमारी गाड़ी कंप्लीट होके आ गई, मंडे को लेके जाना तो रविंग होगी, रविंग होने के बाद बिल्कुल शाइनिंग शाइनिंग हो जाएगी, और इसके बाद के व्लॉग देखना बिल्कुल मिस मत करना, क्योंकि हम कोटा सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं जिसमें 15 से 20 व्लॉग रहेंगे। उसमें हम कोटा की जो बेस्ट जगह है जो शायद मैंने नहीं देखी, वो शायद आपने भी नहीं देखी होगी, जो बेस्ट प्लेस है कोटा की उसको कवर करेंगे अपन। तो प्लीज़ आप कमेंट करके बताना कोटा में सबसे बेस्ट जगह कौन सी है जहाँ से हमें स्टार्ट करना चाहिए व्लॉग बनाना। जैसे बूंदी में रामेश्वर महादेव जी जो मैंने नहीं देखे, शायद बहुत सोने देखे नहीं होंगे, गरेड़िया महादेव जी है, सबको कवर करने वाले हैं इस सीरीज़ में हम। इसका नाम रहेगा कोटा सीरीज़। तो आई होप आपको हमारे व्लॉग अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करना बिल्कुल मत भूलना, और जो चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, लव यू ऑल, बाय बाय।